आज वैलेंटाइन डे है। प्रेमी जोड़े और प्रेम की आकांक्षा रखने वाले युवा और हर उम्र के लोग अपने अपने तरीके से वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, तो ग्वालियर में भी इसका एक अलग अंदाज देखने को मिला। यहाँ वैलेंटाइन वीक में शादी रचाने वाले कई नवविवाहित जोड़े गौ माता को खाना खिलाकर अपनी प्रेम भरी जिंदगी के लिए प्रार्थना करते नजर आए। तो नवविवाहित जोड़े गौशाला पहुंचकर गाय को चारा और खाना खिला रहे थे आज। तो दूल्हा दुल्हन अपने परिवार के साथ गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। ये जोड़े माता को पकवानों का भोजन करवाने के साथ साथ गौ माता और संतों का आशीर्वाद भी लेते हुए आज नजर आए। तो ग्वालियर की ये तस्वीर, तो गौ माता और संतों का आशीर्वाद भी इन नवविवाहित जोड़ों ने लिया, प्रेमी जोड़ों ने लिया। तो ग्वालियर की ये तस्वीर ये देखिए, तो पूरा भोजन के साथ यहाँ पर गौ माता की सेवा करते हुए। मन में तो पहले से भी था कि गौ पूजा में एक बार करना है, पर इतना पता नहीं था कि गुरुजी का इतनी जल्दी निमंत्रण प्राप्त होगा। गुरुजी का जैसे ही निमंत्रण प्राप्त हुआ, हम दोनों साथ में और हमारे साथ के साथी भी आए हैं। हम अभी गुरुजी के सानिध्य में गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं, क्योंकि हमारे वेदों में भी गौ माता को सबसे बढ़कर माना गया है। 36 करोड़ देवी देवता इन्हीं में समाये हुए हैं, इसलिए इनके आशीर्वाद के बिना हमारा दाम्पत्य जीवन सुखित नहीं हो सकता। 8 फरवरी को अभी फिलहाल ही में हमारी शादी हुई है। गुरुजी का निमंत्रण प्राप्त हुआ, जिसके तहत हम लोग यहाँ आए हैं और हमने सर्वप्रथम गौ पूजा की और गौ के लिए जो भोजन है वो प्राप्त करवाया। यहाँ पर आकर हमने गौ माता का पूजन किया, जिससे मन को बहुत शांति हुई। मैं और लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता का पूजन करें, यहाँ पर आएँ, उनकी सेवा करें। आज का जो कार्यक्रम है वह भारतीय संस्कृति को दर्शा रहा है कि हम सूर्य के उपासक हैं और सूर्य की उपासना के साथ जो है हम गौ माता के उपासक हैं। गौ माता को प्रसाद ग्रहण करवाया, गौ माता को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की, परिक्रमा करके उनके जो नए दाम्पत्य जीवन है उसमें सुख समृद्धि हो, जो नए संतान हो वह संस्कार युक्त हो, इस प्रकार की मनोकामना के साथ में यहाँ पे जो नए जोड़े आए उनके माता पिता आए।